नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पैराडाइज कंप्यूटर में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप कैसे अपने घर बैठे ही अपने मोबाइल से बिजली बिल का जो जमा कर सकते हैं, कैसे करना है आज इस वीडियो में मैं पूरा विस्तार से बताऊंगा। फिर वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। दोस्तों इसके लिए एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है सुविधा, आपको जो प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, जो आपको इस तरह का आइकन दिखेगा, इसको आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आपको इस तरह का आइकन दिखेगा जैसे कि हमारे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है सुविधा नाम से, सिंपली आपको इसको ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद आपको इस तरह का स्क्रीन नजर आएगा, NBPDCL BSPCL यानी नॉर्थ बिहार हो या साउथ बिहार हो, आपका जो है यहाँ से बिल जमा कर सकते हैं। आपको इसमें बिजली की जो है सारी सुविधा मिलेगी, जैसे नए कनेक्शन के बारे में करना हो, मोबाइल या ईमेल अपडेट करना हो आपको बिजली नंबर पे, या कोई भी बिजली का अंकित पता करना है उसके बारे में कर सकते हैं, या जो भी संशोधन करना है उसके लिए यहाँ से सारा काम आप कर सकते हैं। चूंकि हमें बिजली बिल भुगतान करना है तो यहाँ सेकंड ऑप्शन दिख रहा है बिजली बिल की जानकारी एवं भुगतान, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर टर्म्स कंडीशन भी दिए गए हैं। अगर आप टाइम पे, यहाँ पर फर्स्ट में ऊपर दिया है 2.5% रिबेट, अगर जिस टाइम पे आपको बिजली बिल दिया देने का ऑप्शन दिया गया है, अगर आप उस टाइम पे बिजली बिल जमा करते हैं तो आपको जो है 2.5% का छूट भी मिल सकता है। तो चलिए हमको जमा करना है, तो चूंकि आपको फर्स्ट साइड में दिया गया है स्टार्ट बिल पेमेंट, तो यहाँ से बिल जमा कर सकते हैं। सेकंड टाइम में दिया गया है व्यू बिल पेमेंट या रिसिप्ट, यहाँ से बिल जो है चेक कर सकते हैं। क्योंकि हमको बिल जमा करना है सिंपली हम इंस्टेंट बिल पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। इंस्टेंट बिल पेमेंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको अपना जो है कंज्यूमर आईडी डालना है, क्योंकि हम किसी कस्टमर का डाल रहे हैं, तो चलिए मैं यहाँ से बता दे रहा हूँ। डालने के बाद आपको पे डिटेल्स पे क्लिक कर देना है। पे डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो है अपना सारा डिटेल दिख जाएगा, एपेबल अमाउंट दिख जाएगा। तो यहाँ पे आपको इंटर मोबाइल नंबर मांग रहा है, अपने मोबाइल नंबर को आपको डाल देना है। इसके बाद आपको पे बिल पे क्लिक कर देंगे। पे बिल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से एक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको ओके का क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट गेटवे ओपन होगा। थोड़ा लोडिंग लेने के बाद यहाँ से आप जो है पेमेंट गेटवे पे आएंगे, यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। चूंकि हमारा यहाँ पेमेंट गेटवे ओपन हो चुका है, आपको बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है जिस माध्यम से आप करना चाहते हैं, क्विक वे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड पिन, या इंटरनेट बैंकिंग, या UPI से कर सकते हैं। क्योंकि हम डेबिट कार्ड से करेंगे तो चलिए हम डेबिट कार्ड पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको कार्ड का नाम, कार्ड होल्डर, कार्ड नंबर और मंथ एक्सपायरी, CVC सारा नंबर डालना है। डालने के बाद यहाँ आपको मेक पेमेंट पर क्लिक कर दे, तो चलिए हम यहाँ पर डाल के हम आगे बढ़ते हैं। पेमेंट गेटवे पर क्लिक करते ही दोस्तों आपको इस तरह का प्रोसेसिंग लेगा और यहाँ पे आपको जो है OTP मांगा जाएगा। तो आपके फोन पे जो भी रजिस्टर होगा बैंक से, उसको OTP जाएगा, उस OTP को फिल करके आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते ही दोस्तों आपको इस तरह का ये रिफ्रेशिंग लेगा, आपको बैक नहीं करना है, ये आपका प्रोसेसिंग ले रहा है। यहाँ पे आपको देख रहा है थैंक यू आ गया और यहाँ सक्सेस का ऑप्शन जो है आपको दिख रहा है। आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, जैसे प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। अगर प्रिंटर से कनेक्टेड है तो प्रिंट कर सकते हैं, या इसको आप JPEG में, PDF में आप अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए, तो हमारी वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें।